तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लगा दिए सेंटर में, और ये चेक करो यहाँ पे बीच में जो गैप दिख रहा है साइड से, तो है गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना लिप भाई। तो गाइज आप लोग कैसे कमेंट करके बताना, उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइज देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं पिंपरी मार्केट हेलमेट लेने के लिए, तो अभी देखते कौन सा है। और ये है प्रकाश, इसको चाहिए था हेलमेट। हाय करो, तो अभी हम देखते हैं हेलमेट लेंगे कौन सा लेते हैं। अभी ब्लॉग में बने रहिए गाइज, ये भी अच्छा लग रहा है, हाँ कलरफुल लग रहा है। तो आप लोग भी गाइस डीएम करो फटाफट कौन सा लें, तो जब तक आप डीएम करेंगे तब तक तो हम ले चुके होंगे आई थिंक। बट ये भी अच्छा लग रहा है, और ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। आई थिंक अच्छे तो सब हैं, बस पसंद आना चाहिए दिल को, क्योंकि दिल की आवाज़ दिल ही जाने। और ये नॉर्मल ये वाला ले लो ना भाई, 200-300 वाला, 200-300 वाला देख रहे हो गाइस, ये सब गांधी जी जमाना वाला, तो इस पे हो पाएगा? पॉसिबल नहीं है। वो वाइट वाला देखो, वो भी अच्छा लग रहा है। हाँ एक बार लाइट वेट तो है नहीं यार, सेम है नहीं यार, ये अलग है। हाँ ये थोड़ा अलग है, बट देख रहे हो गाइस ये भी बहुत जबरदस्त लग रहा है यार। कलर मेरे हिसाब से ना ये वाला देखो ना, ये फायर वाला ना? एक बार पहन के देखो, साइज साइज मिल जाएगा ना, साइज ये वाला देखो तो। हाँ सेम यही तो है हमारा वाला, सेम है, हाँ वही वाला है। ये भी है, ये भी है, सेम वही पीस है, बस कलरफुल है। हम थोड़ा जल्दबाजी में गए अपना हेलमेट थोड़ा गड़बड़ वाला ले लिए, बट हाँ वही ना। और बट अपने YouTube प्रो सेना का अगर सपोर्ट रहेगा ना भाई, तो चेंज कर देंगे। सो गाइज ये कैसा लग रहा है, सो लेट मी नो कमेंट सेक्शन, फटाफट जाओ डीएम करो गाइज। बैक से देखो तो ये भी मुझे भी अच्छा लग रहा है, दोनों अच्छा ही ब्रांड कंपनी है, दोनों अच्छा लग रहा है। सो गाइज अभी हमारे स्पेशल रूम में देख सकते हैं राइडिंग जैकेट, ओ भाई ड्रीम जैकेट, ये वाला सेम यही वाला हेलमेट है, ये वाला देखो यही वाला राजा DC। तो ये सब महंगे हेलमेट है गाइज, ये लमसम 5000 का है, तो अपना उतना बजट नहीं है। लेंगे आपका भाई एक दिन लेगा, ये भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ब्रांड वाला लेंगे। बट फिलहाल अभी तो उतना पैसे नहीं, आप लोग का सपोर्ट प्यार रहेगा तो हम भी अपडेट कर देंगे अपने हेलमेट के साथ। और बिकॉज राइडिंग जैकेट देखो गाइज कितना प्यारा दिख रहा है यार, तो देखते हैं। बाकी इधर आके दिल खुश हो गया यार, स्पेशल रूम में आए देख सकते हैं पूरा मस्त। तो गाइस फाइनली अभी हम डब्बा ले लिए हैं, अभी यहाँ से निकल रहे हैं, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे, तो आपको दिखाता हूँ कैसा आपको हेलमेट ख़रीदना है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। तो ब्लॉग में पूरा बने रहना, थोड़ा भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी हम निकल रहे हैं, और आज है मंडे, तो मंडे को ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। इतना गर्मी लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है यार, अभी से इतना गर्मी लग रहा है, गर्मी का मौसम आएगा तो क्या हाल होगा पता नहीं। पहले इतना गर्मी यहाँ पे नहीं पड़ता था यार, बिकॉज इतना पोल्यूशन बढ़ गया कि सब वेदर ही पूरा चेंज हो गया। बट कोई नहीं, झेलना है झेल लेंगे। और अभी हम जाएंगे कुछ थोड़ी देर में, मस्त आपको दिखाएंगे हेलमेट की अनबॉक्सिंग, और उसमें एमसील कैसे लगाते हैं दिखाते हैं आपको। भैया भैया रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। सो गाइस देख सकते हैं अभी हम लगा दिए सेंटर में, और ये चेक करो यहाँ पे बीच में जो गैप दिख रहा है साइड से दिख रहा है गैप, तो ये गैप में अभी हमको माल भरना है, मतलब ये भरना है एमसील साइड में, अच्छे से पूरा फ्लिप करना होता है, और यहाँ पे भी भरना होता है, तो अभी आपको दिखाते हैं, आप ही साइड से भर देना, नहीं तो ये जो गैप है ना बहुत यहाँ से गिर सकता है, तो इसको भरना ज़रूरी है,
तो यहाँ साइड से ऐसे भरना है, देख सकते हैं गैप में ये चला गया अंदर, गया ना? गया गया भाई, अभी तो रेडी हो रहा है, रेडी होने के बाद देखेंगे ना। हाँ तो देखो यहाँ से गैप में पूरा ये गया, फिनिशिंग भी आना चाहिए ना भाई। पूरा यूट्यूब पे आप ढूंढेंगे नहीं मिलेगा ऐसा ब्लॉग। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोगों का फर्ज भी है कि थोड़ा हम एडजस्ट करें, तो काम भी तो अच्छे से करके दे रहा हूँ। अभी देख सकते हैं ये वाले गैप में ये यहाँ से चला जाएगा अंदर, फिनिशिंग ही इम्पोर्टेंट है, सब लोग ऐसा नहीं कर पाता है। और जो काम में फिनिशिंग होता है आपको भी पता है थोड़ा टाइम लगता है, और आपका भी फर्ज बनता है भाई को सपोर्ट करना। कि देखो यहाँ पे हम ऊपर इसलिए चढ़ा रहे हैं सिर्फ 3M के टेप के भरोसे नहीं, एमसील अभी ये ऊपर इसलिए चढ़ा है ताकि ये निकलेगा नहीं। करेक्ट, सिर्फ टेप के भरोसे नहीं रहेंगे ना हम भाई, 50,000 का गोप्रो है भाई, समझ रहे हैं ना आप? नीचे से ये तो अरे घुस जाएगा, रुको तो सही। सो गाइस फाइनली अभी देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने पार्किंग में, हेलमेट का वो सब लग गया है। अभी देखते हैं ये मोबाइल चार्जिंग का, तो इसका क्या सीन है, मोबाइल चार्जिंग होता है कि नहीं होता है? कल तो वहाँ पे हो रहा था, तो अभी इसमें डालते हैं। सो फाइनली अभी हम इसको इसमें लगाते हैं, देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपने को तो कुछ आइडिया नहीं है। यस वर्क कर रहा है, स्विच ऑफ ये लगा देते हैं। कहाँ चलेंगे? जाएंगे एजेंसी में गाड़ी लेने को, एजेंसी जाएंगे। सो फाइनली अभी हम निकल चुके हैं और एकदम शाम हो गया है और धूप एकदम वैसे ही तगड़ा निकला हुआ है और हम जा रहे हैं फुल पावर के साथ। सो गाइज अपने चैनल को भी सपोर्ट करो, अपने भाई को भी सपोर्ट करो। गाइज हम भी हेलमेट एक्सचेंज कर देंगे, अच्छे वाले ले लेंगे, बट ये भी बहुत अच्छा है, बस कलर थोड़ा डिफरेंट है। तो कलर हम अपने बाइक के रिकॉर्डिंग लिए थे। सो गाइज फाइनली आ चुके हैं हम शोरूम के बाहर, देख सकते हैं, और यहाँ हमको करना है बाइक की डिलीवरी। अभी पूछते हैं कहाँ पे है अपनी बाइक, वेयर पार्किंग है क्या? ओह हो, तो गाइज अभी देखते हैं बाइक का पार्किंग कहाँ है, यहाँ पे ही कर देते हैं, एकदम प्रोफेशनल पार्किंग मिला है। तो आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या है, अपने को भी कुछ आइडिया नहीं है। आज लेके जाएंगे क्या? हाँ भाई लेके। ये कौन सा गाड़ी है यार? एक्सपल्स गाड़ी, अच्छा यार हीरो का। तो यहाँ पे स्प्लेंडर यही दिखने वाले हैं आई थिंक, एक्सपल्स भी अच्छा है। अभी देखते हैं प्रकाश भाई का कौन सा गाड़ी है, बिकॉज ये दिए थे सुबह से सर्विस सेंटर में, पता नहीं इनका गाड़ी हुआ है कि नहीं, इनको भी कुछ आइडिया नहीं। देख सकते पूरा लाइन से ही लगा है। ओ भाई पूरा अभी हम आ चुके हैं सर्विस सेंटर में, आपकी दिख रही है गाड़ी यही वाली है ना? तो गाइज हम इसी का डिलीवरी लेने आए थे। सो गाइज फाइनली अभी हम जा रहे हैं स्प्लेंडर को बाहर लेके, देख सकते हैं ओए होए पूरा बच्चा लग रहा है यार बुलेट के आगे। पूरा बच्चा लग रहा है यार, लेकिन स्प्लेंडर स्प्लेंडर है यार। इधर होगा अभी चेकिंग, तो देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी का डिलीवरी भी ले रहे हैं, जलवा है। ओ भाई स्प्लेंडर की डिलीवरी, स्प्लेंडर की डिलीवरी देखो गाइस, ओ भाई। सो फाइनली अभी हम आ चुके हैं एकदम बाहर, देख सकते हैं। फाइनली अभी हम जा रहे हैं घर, बिकॉज शाम हो गया है और बाइक हमने ड्रॉप कर दिया है, और कल देखते कहाँ का ब्लॉग आएगा। और गाइस लाइट तो बहुत पावरफुल है, बिकॉज यहाँ पे कहीं अंधेरा है ही नहीं तो दिखा नहीं सकते यार, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे एनी टाइम 24 घंटा उजाला ही रहता है यार।
रात को भी कंटिन्यू लाइट रहता है तो अंधेरा कहीं है ही नहीं, रोड ही एकदम हर जगह यहाँ पे पूरा रोड पे उजाला ही उजाला है। और हेलमेट कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना। देख रहे हो गाइस लाइट फुल पावर है, डिपर पुणे की ट्रैफिक बहुत गंदी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खाते रहो पीते रहो मस्त रहो स्वस्थ रहो। बाय बाय।